तो चुटकी में नहीं बजाता, उसको पकड़े रहता है उसकी टैंकी। जो सीखा चुटकी भर सीखा, धरती भर है बातें, उस पर अहंकार दिखलाना है। ये चीज कहां की, इल्मों के मेखाने से जितना चाहो पी डालो, हर पल रहता खुला और हर दम तत्पर है साथी। जब बच्ची जैसे साथी आपके पास हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब है जो आपको बता सकते हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब ये ब्लॉगर्स में मैं अशोक चक्रधर कहाँ से आ सकता? हुआ ये कि मेरे पास मेरा ब्लॉग देखने के बाद, जिसका शीर्षक है चक्रधर की चकल्लत, और उसमें मैं अपनी चकल्लत करता रहता हूँ। जो नए नए कविता खंड रच जाते हैं और जो इधर उधर से बच जाते हैं, वो मैं पोस्ट कर देता, सबमिट कर देता। मेरे पास एक मेल आई और उन्होंने कहा कि आप भी अगर ब्लॉगर्स में आने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। मेरी समझ में नहीं आया ये सवाल कि मैं अगर ब्लॉगर्स में शामिल हो गया तो मैंने क्या अपराध कर दिया। तब मैंने ब्लॉगिंग की जो आस्था है उसको जानने के लिए इतिहास जानना चाहा, कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, वो सब आपको मालूम होगा क्योंकि आप ब्लॉग जगत के साक्षर लोग बैठे हुए लिटरेट, तो आपको और कुछ के चिरकुटों से परिचित नहीं कराना है आपको। फ्लिकर के बारे में कोई फ्लिकिंग आइडिया नहीं देना है आपको, मुझे पॉडकास्टिंग और वेबकास्टिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है। लेकिन मैंने ये जाना और मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति जो अभिव्यक्ति के लिए आकुल होता है, हर व्यक्ति जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने आप को जताना और जनाना चाहता है, उसके सामने दिक्कत आती है कि दुनिया उसको सुनती नहीं और उसको पीड़ा रहती है कि हाय होता है ना, हमें ना सुना गया, काश कि कोई हमारी बात भी सुन पाता। एक जमाना था जब नए नए लेखक मेरे मित्र हुआ करते थे, मुझे उस कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन